नमस्कार पशुपालक साथियों, जितने भी भाई जुड़े हैं सबको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। आज का एक बहुत ही स्पेशल वीडियो गुरुवाली फार्म से लेके आ रहे हैं। बाबा जी को सामने आप देख पा रहे हैं और काफी सारी वीडियो आज बाबा जी के यहाँ हमने शूट किए हैं, चाहे वो HF की हो, चाहे बड़े डेयरी फार्म की, पूरी भैंसों को एक ही वीडियो में कवर किया हो। उससे पहले आप देख पाएंगे छोटी छोटी वीडियो और स्पेशल भैंसों की। मिलवाते हैं बाबा जी से ज्यादा टाइम ना लेते हुए, गुरुवाली फार्म अमृतसर से लेके आ रहे हैं वीडियो। सत श्री अकाल बाबा जी। सत श्री अकाल सुरेंद्र जी, जी आया नू। ठीक हो बाबा जी, धन्यवाद सारे नू। सत श्री अकाल, राम राम, और सारे दा धन्यवाद, तुसी सारे नू मिला देंदे हो। ठीक है जी। तो बाबा जी, पहले इस भैंस की बात करें अपा, इसकी क्या पोजीशन है, कौन से ब्यात में है? ये भाई साहब तीसरे ब्यात में है। इसका नाम है अनोखी। अनोखी अनोखी, ठीक है। इस टाइम 24 से 25 किलो दूध है कांटे का भाई। 24 से 25 किलो दूध है। 3.5 किलो की अगाड़ी होगी इसकी। ठीक है। और थोड़ा ऐसे करती है, मतलब भैंस तो है पर भैंस इतना दिल नहीं है, बस डरपोक है थोड़ी। डरपोक नहीं, पता नहीं क्या है, डरपोक होती तो दूध नहीं इतना देती। ठीक है जी। ना तो ये देखिए जी, 24 से 25 किलो दूध, अनोखी नाम है भैंस का और बहुत ही सुंदर। ये देखिए जबरदस्त भैंस है, 24 से 25 किलो दूध मौके पे तैयार है। 10-15-20 दिन तक जो मर्जी आ जाए कोई। अच्छा। किलो अद्धा किलो का फर्क हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। बाकी बहुत ही चंगे दूध की मालिक है जी, बहुत ही ज्यादा। ठीक है बाबा जी, परमात्मा की कृपा नाल बहुत दूध दिंदी है। ठीक है जी। और ये बाबा जी इधर वाली, इसका नाम है जी अल्लादित्ती। अल्लादित्ती, ठीक है। ये कौन से ब्यात में है ये भाई साहब? मेरे ख्याल दूसरे होगी या शायद तीसरे भी होगी मोल की, हमारी कौन सी करके है। ठीक है। पर दूध ए उद नालों भी ज्यादा दिंदी है जी। ठीक है। अभी मौके पे कितना दूध? बच्चा नहीं है। ठीक है। ये उससे भी 10-20 दिन पहले की बेई हुई है। ठीक है। इसके नीचे आज भी 23.5-24 किलो, उतना ही दूध बराबरी होगा। हाँ, 23 तो लेके 25 किलो दे दूध होगा जी। ठीक है, ठीक। वैसे तो रोज कंडे दे ऊपर तौलदे है जी। ठीक है, ठीक। 11:30-12, कई बारी 12:30 भी, जिस दिन कोई तेल दी ओटीआटी गुड़गड़ जा असी बेले होइए इन्हां दे ऊपर आ जाइए। ठीक है। फिर वध जांदियां ने जी। ठीक है, ठीक। बहुत ही दूध देंदियां ने जी। मैं कहिए ये नहीं हैगा सुरेंद्र जी अज कह रहा जा, मतलब वीडियो बन रही है। हां हां, जेड़ा मर्जी सज्जन जदों मर्जी आ जावे। ठीक है। 8-10 मज्जा 20 किलो वालियां हमेशा ही होणगियां। ठीक है। सर्दी च 5-6, गर्मी च 5-6 होणगियां, सर्दी च 8-10 होणगियां। ठीक है। हां जी। और अभी भी काफी सारी हैं, एक बार खोल के चलाना इसको। देखिए जी, बहुत ही जबरदस्त भैंस है, जिस दिन कोई सेवा बढ़ जाती है तो 12.5 किलो दूध भी टाइम का निकाल देती है, नहीं तो रूटीन का 23 किलो, 22 किलो, 23 किलो, 24 किलो दूध देती हुई भैंस। और अल्लादित्ती इसका नाम रखा है, गुरुवाली फार्म से ये वीडियो लेके आ रहे हैं। जबरदस्त भैंसे और सुंदरता देखिए बाबा जी के यहाँ, जब भी हमने वीडियो शूट किया है तो जबरदस्त भैंसे ही जो है वो देखने को मिली है। और एक इधर खड़ी है, ये भी बहुत ही जबरदस्त अड्डर और थनों की क्वालिटी है, देखिए। और दो भैंसों का वीडियो हम लेके आए, कैसा लगा वीडियो कमेंट्स? पेट भर के खाना नहीं दिता, शायद होर भी कर जे कुछ, जे करनी चाहे होर भी बढ़ा सकती है, मतलब होर कारीगर को हो जाए। ठीक है। साडे को सीरियसली सुरेंद्र जी, तुसी जानदे हो साडा सारा काम। हां जी, हां जी। इतना टाइम नहीं हैगा, चलो बच्चे करदे ने बड़े शौक नाल सेवा इन्हां दी। हां जी, हां जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए जी, जबरदस्त भैंसे, और जो भाई अमृतसर एरिया से हैं या पंजाब से हैं बाबा जी के यहाँ, लगभग कोई भी भैंस आप ले भी सकते हो। रेट लगाने वाला चाहिए पैसे, और वो पैसे भी जायज नाजायज पैसों में कभी कोई भैंस पशुधन बेचा नहीं है बाबा जी। 85 की आई है जी। ठीक है। ये 2.85 की आई है जी। ठीक है, ठीक है। ये तो कुदरती मिल गई जी, ताजी सुई ही। ठीक है। खाली हुई ही, नहीं समझ आई अगले नु भी भाच मिली। ठीक है। पर समझ हैगी सी भी दुध देऊगी 23-24 किलो, पर जिन्ना सोचा उदू वध ही दे रही है, घट नहीं दे रही जी। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए बाबा जी ने जो कहा कि नॉर्मल जो है वैसे रूटीन में चलती हैं, और चोकर और हरा डाला है, जब ये भैंस खुल के गई तो ये धप्पा जब खाने लगी पूरी तेजी से, तो थोड़ी बहुत भूखी ही आपको भैंस मिलेंगी। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके बताना। गुरुवाली फार्म के नंबर भी आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल।